एक है आइडल वर्ल्ड जो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है कि आइडली ऐसा होना चाहिए। एक है रियल वर्ल्ड जो कि एक्चुअल में हो रहा है, जो मैं अपने आसपास में देख रहा हूं। वो क्या देख रहा हूं कि अगर कहीं पर लाइन लगी हुई है कोई टिकट लेने के लिए, तो अगर वहां पर 5 मिनट भी किसी के पास में है तो सबकी गर्दन ऐसे है और सब अपने फोन पर लगे हुए। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई बंदा है वो एडिक्ट हो चुका है, उसको प्रॉब्लम्स है स्पाइन के लेवल पे, फिर भी वो यूज करता ही चला जा रहा है, पेन हो रहा है लेकिन उसको वो इग्नोर कर रहा है, या पेन किलर्स खा करके या किसी भी तरीके से टेम्पररी कहीं गया, कहीं से कोई थेरेपी करा के आ गया, कुछ दिन के लिए रिलीफ आ गया, फिर से वापस से बैक टू नॉर्मल, वही अपना 5-6 घंटे लगा हुआ है वो फोन के ऊपर। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होने वाला है? सो इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज आई जनरली आस्क पीपल पेशेंट्स को कि ऑलवेज कंसल्ट मी व्हेन यू आर नॉट इन पेन। अब होता क्या है कि किसी को आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, पेन हो गया, 2-3 दिन उन्होंने घर पे होम रेमेडीज कर ली, राइट? हम भी कभी भी कोई भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाता जब तक दांत में दर्द ना हो, तो सिमिलरली कोई भी फिजियो के पास नहीं जाता जब तक उसको एक्चुअल में बिल्कुल हाथ छोड़ दे, सिम्टम्स तक नहीं रहा। सो देयर आर 3 stages ऑफ स्लीप डिस्क, प्लीज वो आप बताइए क्या है वो 3 stages। वन इज आप नॉर्मली आपको हल्का सा आपको स्टिफनेस हो गया कि नेक आपको ज्यादा स्पेशली सर्दियों में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। नेक्स्ट स्टेज होती है थोड़ा सा आपको और डिस्क बल्ज हो गया हल्का सा। थर्ड स्टेज विच इज आपका जो डिस्क है बिल्कुल डिप हो गया, विच इज टचिंग टू योर नर्व्स, जो 3 nerves हमारी सर्वाइकल से यहां से यहां जाते हैं, 3 nerves नर्व कंप्रेस होने लगे, नर्व कंप्रेस हो गई। जैसे नर्व कंप्रेस हो गई, आपने कुछ ट्रीटमेंट ले लिया, ट्रैक्शन, फिजियो सेशंस, फिर मसल रिलैक्सेशन, पेन किलर्स, MRI करने के बाद, सब कुछ डायग्नोस होने के बाद कुछ टाइम तक टेम्परेरी ठीक हो जाता है, साइड बाय साइड हमें पोस्चर करेक्शंस करना ही पड़ेगा उसके साथ, अदरवाइज इट विल कम बैक टू अगेन square 1 और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। और पोस्चर करेक्शन के लिए उसको बताया गया क्योंकि उसके साथ में तो कोई बैठेगा नहीं 24 घंटे, राइट उसको बता दिया, अब वो करे ना करे वो उसके ऊपर। एंड आई अज्यूम कि बहुत ही कम लोग होंगे जो चांस उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करेंगे, वो तो आप समझते ही हैं, आप देख ही रहे होंगे डे बाय डे, है ना, बार बार वही पेशेंट्स आ रहे हैं सेम प्रॉब्लम को लेकर के और बढ़ा करके। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उसके बाद क्या होगा? सो स्लिप डिस्क होने के बाद उसमें सर्जरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो आपने देखा हो काफी लोग कॉलर पहन के घूमते रहते हैं, राइट। सो स्लिप डिस्क जो सर्जरी हो जाता है, तो सर्जरी के बाद भी एनी हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्जरी बहुत रिस्की होती है, कोई कराता भी नहीं है, बहुत आजकल लोग डरते हैं। अगर सर्जरी नहीं कराते तो क्या होता है, दे नीड टू बी अदर पेन, एज सिंपल एज दैट। वो कांस्टेंट रहता है, पहले वाले स्टेज में चलो आज ट्रीटमेंट कराया, कम हो गया, ये हो गया, फिर नेक्स्ट वाली स्टेज में जो होता है कांस्टेंट पेन होता है, बिकॉज आपका नर्व आपका पिंच कर ही रहा है कांस्टेंटली, सो उसकी वजह से आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। और उसमें क्या दवाइयां असर करती है उस स्टेज में? स्टेरॉइड्स। So what you're saying is कि अब फिर normal जो pain killer से वो काम नहीं करेंगे, करते हैं। ये नहीं है कि आपने एक normal दवाई खाई नहीं, नहीं, नहीं। अब आपको steroids लेने पड़ेंगे, sometimes steroids के अपने side effects हैं। उसके बाद भी जब तक के posture को ठीक ना किया जाए तो problem की जड़ वहीं की हुई, वहीं की वहीं। So the point simple सा फंडा है। So anyhow before surgery or after surgery, right? You have to correct the postures, where that is basic. So I always say don't come to me, don't go for the physio sessions, जब तक आप रेडी नहीं हो पॉस्चर करेक्शंस के लिए, अदरवाइज ये वैसी की वैसी रहेगी। और पॉस्चर का कनेक्शन है लाइफस्टाइल से, लाइक बहुत सारी चीजें, लाइक इसको नोटिफिकेशन कहे या लैपटॉप कहे, और अभी तो कोविड की वजह से ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई, किसी हम घर में ही बैठे हैं तो पॉस्चर वोस्चर तो सब गया, क्योंकि वहां पर तो फिर भी एटलीस्ट टेबल पे बैठे थे, एक पर्टिकुलर पोजीशन होती थी, घर में तो कोई पोजीशन ही नहीं, कोई भी कैसे भी बैठा हुआ है, बहुत बार तो लेटे हुए लेट करके क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कि कहाँ हो रहा है, काउच पे बैठे हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ बढ़ने ही वाली है, कम होती हुई तो मुझे दिख नहीं रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, जो भी हमारी अभी तक कॉन्वर्सेशन हुई है, जो लोग देख रहे हैं मुझे, एक बेसिक ह्यूमन साइकी क्या है कि अगर हम किसी को मरता हुआ भी देखते हैं तो उनको लगता है कि वो मरा है, किसी को ये नहीं लगता कि मैं मरने वाला हूँ, ये बेसिक ह्यूमन साइकी है, किसी को नहीं लगता, चाहे किसी की भी कोई भी एज ग्रुप हो, सबको ये लगता है कि वो मरा है या उस घर में मरा है, मैं नहीं मरने वाला, मतलब ऐसा कभी भी बहुत कम लोगों के अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती है कि वो देख सके कि एक ना एक दिन आप भी मरने वाले हो। तो इसी तरीके से ये जो हमने डिस्कशन किया, आई एम श्योर ये देख करके बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या आएगा कि यार ये तो होते होंगे कुछ परसेंट केसेस, ये तो कुछ लोगों को होता होगा, मुझे नहीं होगा, मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मेरी तो अभी बॉडी फिट है, मैं चाहे 4 घंटे यूज करूं चाहे 8 घंटे यूज करूं, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम यंग। तो उन लोगों को आपको क्या कहना है कि ये परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी
तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जो सिचुएशन हमने जिसकी अभी बात करी है? सो आई गिव यू टू एग्जांपल्स ब्रॉड. सो नथिंग टू डू विद आपका सिक्स पैक एब्स, नथिंग टू डू विद कि आपका आप कितने स्ट्रांग हो, बॉडी से देखने में कितने स्ट्रांग लगते हो. आपका जो हेड है विच इज 1/7 ऑफ योर बॉडी वेट, ठीक है, रफली, ठीक है. जब भी आप नेक बेंड करते हो तो जितना प्रेशर एक नॉर्मल जो नॉन एथलेटिक पर्सन है उस पे आ रहा है, और उतना ही उतने उस पे आएगा जो योगा इंस्ट्रक्टर है और जो सिक्स पैक एब्स की जिसकी है, राइट. तो जैसे मेरे एक पेशेंट है, सो ही इज ए पर्सनल ट्रेनर. उसको स्लिप डिस्क हो गया. अब जस्ट इमेजिन उसको क्यों हुआ, बिकॉज आफ्टरनून का टाइम होता है जिसमें कोई भी लोग आते नहीं जिम में, तो उस टाइम वो क्या करते हैं, सिंपल फोन पे लगे रहते, तो हो गया स्लिप डिस्क. अनदर केस, शी इज अ योगा इंस्ट्रक्टर, शी वाज नॉट एबल टू मूव हर नेक, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी. और ये हालत उन लोगों की है जो कि एक्सपर्ट्स है हेल्थ की फील्ड, एग्जैक्टली, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, क्योंकि उनको तो फिट रहना ही पड़ेगा ना, दिखाने के लिए कि देखो हम फिट हैं, तभी तो हम आपको सिखाएंगे. अगर कोई ट्रेनर आ जाए और उनका सब फैला पड़ा है, वो कहे मैं ट्रेन करूंगा, कहेगा भाई पहले खुद का तो कर ले, बाद में मेरा करियो. तो कहने का मतलब है ये तो उन लोगों की कंडीशन है जो कि फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, exactly. फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, वो ही नहीं बच पा रहे. सुना कोई बंदा जो कुछ करता ही नहीं है फिटनेस में, राइट. क्योंकि अगर आप जिम में भी जाके देखो कितने लोग मिलेंगे, गिने चुने, बहुत सारे. हॉस्पिटल में जाओगे तो लाइन लगी हुई है. सो आप अंदाजा लगा लो कि जो अनफिट बंदा है, राइट, फ्रॉम यंग एज से लेकर, उनका क्या हाल होगा. सो दिस I can write it on the blank paper, ये हर एक को होगा and हर एक को हो रहा है. What you are saying is कि ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे, जो भी अभी देख रहे हैं इस हमारी conversation को. What you are saying is कि ये सबको होना ही है, होना ही है. अगर postures का ध्यान नहीं जागे तो, या अगर वो अभी भी अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं लेकर के आए, तो हमारी इस कॉन्वर्सेशन के बाद भी अगर उन्होंने लाइफ नहीं लिया, अरे क्या फर्क पड़ता है, जब होगा तब की तब देखेंगे. तो ये जो तीन स्टेजेस की हमने अभी बात करी है, फर्स्ट स्टेज जब हल्का सा नेक के अंदर होता है, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज जब नर्व कंप्रेशन हो जाता है, जब हाथों में आने लग जाता है, थर्ड स्टेज, एंड फोर्थ स्टेज इज व्हाट यू आर सेइंग इज स्लिप डिस्क व्हिच इज जब हमको दवाइयां भी काम नहीं करती हैं, जब स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं या सर्जरी करानी पड़ती है. तो इट इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू. ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही इसका शिकार होने वाले हैं. जैसे एल्कोहल की अगर बात करी जाए तो कुछ ही लोग होते हैं जो कि आप जिनको एक्चुअल में एडिक्ट बोल सकते हो, जो हफ्ते में एक आध बार लवली लवली लगा रहे हैं या थोड़ा बहुत चले गए, थोड़ी बहुत लैंग्वेज है ना, हाँ ठीक है, जो हफ्ते में एक बार थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो उनको मैं एडिक्ट नहीं बोल सकता. बट पूरे दिन पूरी रात यही सब कर रहे हैं, उनको मैं एडिक्ट बोल सकते हैं. तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो जो एल्कोहल के एडिक्ट है या निकोटिन के एडिक्ट है या गैम्बलिंग के एडिक्ट है, वो कम है परसेंटेज वाइज. दैट कुड बी अराउंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन, इवन लेसर, हम कह सकते हैं 5-10%. बट इन दिस केस स्मार्टफोन तो हर एक के हाथ में और बचपन से ही हाथ में आ चुका है. हुआ क्या है कि एडिक्ट सिर्फ बच्चे नहीं है, माँ बाप भी एडिक्ट, पेरेंट्स.